हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल दौड़ीगनों की तरफ से आप सबको स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक पकोड़ा का रेसिपी लेके आई हूँ। मेरा आज का रेसिपी है अनियन चिकन पकोड़ा। चलिए देख लेते हैं अनियन चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। चिकन, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची, धनिया पत्ता, नींबू, चावल का पाउडर, कॉर्न फ्लावर, मीट मसाला, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अंडा, हल्दी पाउडर, नमक, हींग और रिफाइंड ऑयल। मैंने यहाँ पे चिकन का सॉलिड पीस से पतला पतला करके स्ट्रिप काट लिया। अभी ये चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चिकन ले लिया। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मीट मसाला, आप इसमें चिकन मसाला भी यूज कर सकते हैं, 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून सरसों का तेल और एक अंडा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अंडा ऑप्शनल, बिना अंडा से भी ये पकौड़ा आप बना सकते हैं। अभी इसको 1 घंटे के लिए ढक्कन से कवर करके रखना है। 1 घंटा हो गया। अभी इसमें कटी हुई हरा मिर्च, 3 पीस मीडियम साइज का प्याज, धनिया पत्ता, 1/3 टीस्पून हींग, आप हींग का बदले में अजवाइन भी यूज कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टेबलस्पून राइस फ्लावर और 4 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर डाल के अच्छा से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालिएगा। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया। तेल गर्म हो गया। अभी गैस का फ्लेम को मीडियम रख के पकौड़ा को फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम में पकौड़ा फ्राई करने से चिकन अच्छा से बॉईल हो जाता है। फ्राई हो गया। अभी इसका ऊपर थोड़ा सा काला नमक डालने से ही रेडी अनियन चिकन पकौड़ा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।